एक बार पुनः स्वागत करते हैं। तो योगा एट द रेट ऑफ 7 में आप सब लोगों का एक बार पुनः जोरदार स्वागत है। तो यू ऑल आर वेलकम। सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात सर। हाँ, वेरी गुड। और अब हम आज का, जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था, आज का हमारा ये सेशन बच्चे ही शुरू करेंगे। ये बच्चों का एक प्रोग्राम है और हम लोगों ने आज, ये पहली टेस्टिंग है कि हमारे बच्चों ने कितना सीखा है। ठीक है। और आज का जो कार्यक्रम है, मनीषा ने, एक हमारी गणेशा जी ने, मनीषा को मैं गणेशा जी बोलता हूँ, कि जब महाभारत की रचना हो रही थी तो लॉर्ड गणेशा की राइटिंग बड़ी फास्ट थी, तो आज का ये काम जो है, हम एक सीक्वेंस बनाया है मनीषा और बाकी सहयोगियों ने मिलकर। तो आज का कार्यक्रम उन्होंने दिया है भास्कराचार्य जी को। तो भास्कराचार्य जी से मैं अनुरोध करूंगा, आप आए, इस मंच पर आए और अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें। और हम एक साइड स्पेक्टेटर की तरह इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। ठीक है। और ये मैं किसी को कोई हिंट नहीं दूंगा कि कैसे क्या करना है। जो गलतियां होंगी ये ऑनलाइन होगी, दर्शक ही हमें बताएंगे कि क्या गलतियां हैं, क्या सुधार की गुंजाइश है, क्या स्कोप है। आइए भास्कराचार्य जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम। सर मेरा ट्यूजडे को है, तो सर अगर हम बोलिए। लोग, हमें एक अलग प्राणायाम आता है या नया आसन आता है तो सर हम लोग बता सकते हैं। बेटा ऐसा है ना कि जो हम लोग प्रैक्टिस किए हैं ना उसी को करेंगे, जिससे कि सारे जो चीजें कॉमन होंगी बेटा ओके तो वो सबको याद रहेंगी। ठीक है। नया कोई भी इंट्रोडक्शन हम नहीं करेंगे। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार। योग की शुरुआत हम करते हैं एक श्लोक से, जिसे हम कहते हैं पतंजलि श्लोक, जो कि हम समर्पित करते हैं महर्षि पतंजलि को। तो चलिए शुरू करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैदकेन। मलम शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतम् प्रवरं मुनीनाम्। योपाकरोतं प्रवरं मुनीनाम् पतञ्जलि प्राञ्जलिरान तस्मै। पतञ्जलि जलिरान प्राञ्जलिरानुतस्मि। तस्मै। पतञ्जलि पतञ्जलि प्राञ्जलिरान प्राञ्जलिरानुतस्मि। तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग करेंगे हाथों की एक्सरसाइज। हाथों को ऐसे ऊपर कर लेंगे और मुट्ठी बनाना है और फिर खोलना है, फिर बनाना है, खोलना है। ज्यादा से ज्यादा या फिर कम से कम इसे 10 बार कर सकते हैं। इसे करने के बाद हम लोग अपने हाथों को ऐसे रखेंगे और दूसरे हाथ से इसे हल्का हल्का खींचेंगे। फिर इस हाथ से फिर अब हम करेंगे अपने हाथों की एक्सरसाइज, कंधों पे रखकर। अच्छा ठीक है, ऐसे मुट्ठी बांध के ऐसे रिस्ट को ऊपर नीचे। ये होने के बाद कंधों पे रखेंगे और इससे एक राउंड गोला बनाएंगे क्लॉकवाइज। फिर हम लोग करेंगे अब एंटी क्लॉकवाइज। जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा उसके बाद हम लोग करेंगे नेक की एक्सरसाइज। नेक में सबसे पहले फ्रंट में रोटेट करेंगे 180 डिग्री, यहां से यहां तक।
ये होने के बाद लेफ्ट एंड राइट, ये होने के बाद अब डाउन एंड अप, धीरे धीरे नीचे गए, अब ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे। ये होने के बाद हम लोग करेंगे आंखों के एक्सरसाइज। आंखों में हमें क्या करना है कि अपनी आंखों को ऊपर नीचे करना है 10 बार, ना ही ज्यादा फास्ट ना ही ज्यादा धीरे, मीडियम पे रखेंगे। फिर लेफ्ट एंड राइट, इसको करने के बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 राउंड मारेंगे क्लॉकवाइज, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। इसको करने के बाद अब हम आएंगे, इसको करने के बाद हम लोग आएंगे अपने आसनों पर। सबसे पहले हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। इस साइड सबसे पहले ऐसे सूर्य को प्रणाम करते हुए हम लोग ऐसे सांस लेंगे और पीछे जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, फिर दायां पैर आगे राइट लेग, और उसके बराबर दोनों हाथ रखेंगे और ऊपर देखेंगे, फिर पर्वतासन की स्थिति, दोनों एड़ियां सटी होंगी जमीन से, फिर इस तरीके से, फिर भुजंगासन, पर्वतासन, फिर लेफ्ट लेग आगे और आसमान की तरफ, फिर हाथों को जमीन की तरफ, फिर सांस भरते हुए पीछे, और फिर समर्थ ओम सूर्य नमः। ऐसे करना है सूर्य नमस्कार को, इसे कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आप 10 या फिर 5 बार कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः। लेफ्ट लेग आगे, और फिर सांस भरते हुए पीछे, और इसे आप कम से कम 5 बार या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 बार करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन में सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे रखें, सांस लेते हुए इसे ऊपर की तरफ ले जाएं और ऐसे लॉक कर लें, फिर इसे ऊपर की तरफ ऐसे खींचें और टोज को भी उसी तरफ ऊपर की तरफ खींचें, इस तरीके से करीब 20 सेकंड ऐसे रहेंगे हमको। इससे आपकी हाइट भी बढ़ती है, फिर धीरे धीरे टोज नीचे आएंगे, हाथ खुलेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे नौकासन। नौकासन में आपको लेटना है, लेकिन नौकासन करने से पहले हम लोग करेंगे ध्रुवासन, जो कि इस तरीके से है। आपके एक पैर को अपनी दाएं जांघ पर रख के हाथ जोड़ने होते हैं और आंख बंद करने होते हैं, और आपको ये सोचना है कि मैं आंख बंद करूंगा तो मैं गिरूंगा नहीं,
अगर आप ये सोचेंगे तो आप गिरेंगे नहीं और आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलेगा। फिर धीरे धीरे पैर नीचे आएंगे और फिर हाथ। फिर अब हम करेंगे नौकासन। ऐसे लेटेंगे हम। ऐसे लेटने के बाद हम लोग अपने हाथों को पहले देख लेंगे कि किस पोजीशन में रखना है। ऐसे हाथ और फिर इस तरीके से हमें ऐसी पोजीशन लेनी है जिससे कि सारा प्रेशर हमारी नाभि पे आए। इसको 10 सेकंड करने के बाद आराम से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ऐसे एक बार करके दिखाते हैं। इसको करने के बाद आपको थोड़ा इधर दर्द हुआ होगा क्योंकि उधर पेन आएगा, क्योंकि जितना भी पॉइंट है वो इधर ही लगेगा जब आप नौकासन कर रहे हैं। इसके लिए आप पेट के बल लेट जाएं और ऐसे कर लें। ऐसे करने के बाद हम लोग को क्या करना है, पेट के बल ही लेटना है और अपने दोनों पैर ऊपर करने हैं ऐसे, और इन दोनों को पकड़ लेना है। इस स्थिति को कहते हैं धनुरासन। इसे करने के बाद नीचे आएंगे और पैरों को धीरे धीरे नीचे रखेंगे सांस। इसे एक और बार करेंगे। ये करने के बाद आपके यहाँ पे दर्द हुआ होगा और कोई भी आसन करने के बाद उसका एंटी पोस्चर करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग करेंगे चक्रासन। लेकिन इसको करने से पहले अपने कपड़ों को सही कर लें। जैसे हम लोग आ गए फिर अपने हाथों को और पैरों को सीधा से रखें। आराम से पैरों को लाएं, हाथों को एक बी के शेप में या फिर एक यू के शेप में बनाएं और फिर सांस लेते हुए ऊपर आना है। फिर जब चक्रासन हो जाए ऐसे धीरे होते हुए आएंगे, हाथों को सीधा रखेंगे, पैरों को सीधा। इससे आपकी पीठ में थोड़ा दर्द होगा। इसको खत्म करने के लिए हम लोग करेंगे रोलिंग ऑन द बैक। सर्वांगासन और फिर शीर्षासन। सर्वांगासन में से लेट जाएं। फिर सांस भरते हुए 90 डिग्री का एंकल बनाना और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाना। फिर सांस को सर्वांगासन बनाना है
इस स्थिति को सर्वांगासन कहते हैं, और जो हमने अपने पैरों को पीछे किया था उसे कहते हैं हलासन। फिर अब हम नीचे आएंगे ऐसे पीछे आएंगे हल्का सा, और फिर 90 डिग्री का एंगल बना के धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। हमने जो एक आसन करने का प्रयास किया उसमें दो आसन हो गए, हलासन और सर्वांगासन। अब हम करेंगे शीर्षासन। जब हमारा शीर्षासन हो जाएगा इसके बाद हम लोग कर लेंगे अपना प्राणायाम। तो शीर्षासन को करने के लिए अपने हाथों पे से लॉक कर लेंगे और जितना ही प्रेशर होगा हाथों पे देंगे, सर पे नहीं आना है। ऐसे हाथ को रख लेंगे और उस पे सर को, और फिर धीरे से हल्का सा प्रेशर दे के पैर से ऐसे ऐसे ऊपर आना है। इसे बस 15 सेकंड करें। इससे आपका जितना भी ब्लड है, दिन भर में हम लोग वॉक करते हैं, वो सारा ब्लड पैर में चला जाता है, ब्रेन में ब्लड की कमी हो जाती है। इससे जो है ब्लड सर में आता है और फिर धीरे धीरे हम लोग नीचे आते हैं। ये हो जाएगा। अब हम करेंगे हम लोग प्राणायाम। सबसे पहले हम लोग करेंगे सिंहासन। इसके लिए आपको घुटनों के बल आना है और हाथों को ऐसे रखना है, और इसमें आपको जितना भी कफ है पुराना हो या फिर नया जो बन रहा है वो सारा बाहर आएगा। इसको करने के दौरान आपको खांसी भी आएगी, इसलिए हैंकी रख सकते हैं। ये हो जाने के बाद हम अब करेंगे कपालभाति, प्राणायाम का राजा। आसनों का राजा शीर्षासन, प्राणायाम का राजा कपालभाति। इसको करने के लिए पद्मासन में बैठना है, या फिर अगर आपको दर्द होता है बहुत ज्यादा पद्मासन में, या फिर अगर आपको सुख चाहिए तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। इसके बाद ध्यान की मुद्रा ऐसे, और फिर सांस को बस छोड़ना है। जाएंगे हम लोग और एक बार विचार करेंगे कि जो हमने कपालभाति किया उसके लंग्स में, दिमाग में, हमारी सोल में क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। इसको करने के बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। जाई कर लेते हैं। इसको करने के लिए आपको बस पहले सांस छोड़नी और फिर गले से आवाज निकाल अंदर की तरफ खींचनी।
सी बैठो, फिर से कॉल बैक करेंगे। ये हो जाने के बाद वही काम करेंगे हम लोग जो हमने कपालभाति में किया था। सोच विचार इससे होने वाले फायदे, इन सब के ऊपर सोच विचार करना है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। ये हो जाने के बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आपको एक हाथ अपने राइट नॉस्ट्रल से शुरू करने हैं, आपको राइट नॉस्ट्रल पे एक थंब रखेंगे और फिर जब सांस लेंगे इस नॉस्ट्रल से, फिर जब सांस ले लेंगे होल्ड करके इन दोनों फिंगर्स से इसको लॉक करेंगे और फिर छोड़ेंगे इससे, फिर इससे लेंगे थंब से लॉक करेंगे इससे छोड़ेंगे, फिर इससे लेंगे रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से लॉक करके इधर से छोड़ेंगे। यही प्रक्रिया हम उनको करनी है 10 से 15 बार। तो चलिए हो जाएगा। इसको करने के बाद वही सब चीजें दोहरानी है सारे प्राणायाम में और मेडिटेशन में भी, जो हमने किया उससे क्या क्या फायदा होगा या फिर हो रहा है। इन सब के ऊपर हमें अमल करना है, चिंतन करना है, स्मरण करना है, सोचना है, विचार करना है, सब करना है। जब ये हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग करेंगे ब्राह्मरी, जिसकी पोजीशन जो है आपकी ऐसी होती है इस तरीके से, इंडेक्स फिंगर आपके आईब्रोज के पास रहती है और ये दोनों क्लोज्ड, तीन उंगलियों से आप अपनी आंखों को क्लोज कर लेंगे और थंब से आप अपने ईयर नॉब्स को बंद कर लेंगे अच्छी तरह से ऐसे, और फिर ओम का उच्चारण करना है मुंह बंद करके। हो जाएगा तो अपने हाथों को नीचे रखेंगे। इसको करने के बाद और फिर सोचेंगे कि मनन करेंगे कि इससे क्या फायदा हुआ, हो रहा है,
हुआ था होगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब सोचना है, लेकिन अभी प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का ही सोच लेते हैं। इसको करने के बाद अब हम करेंगे ओंकार, मुद्राएं अपनी ले लें इस तरीके से, और फिर ओम की आवाज निकालनी है 3 बार में। जाने के बाद अब हम कुछ नहीं बोलेंगे और 2 मिनट मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में भी ओनली पॉजिटिव थिंकिंग और ध्यान उधर केंद्रित करना है जहाँ आईब्रोज के बीच में जो गैप है वहीं पर। जो ये आपको टाइम मिला है मेडिटेशन करने का, इसमें आप चुप रहेंगे और जब आप चुप रहेंगे तो आपको कई चीजों की आवाज सुनाई देगी जो घर में हो रही है, या फिर अगर आप किसी बाहर एरिया में हैं तो आपको चिड़ियाओं की चिचहाने की आवाज आएगी। ये हो जाए तो इसको खत्म करने के लिए या फिर समाप्ति देने के लिए हाथ रख लेंगे। बीच में जो हीट उत्पन्न होगा उसको चेहरे पे रखेंगे, ऐसे ही जैसे बच्चे को छुआ जाता है, धीरे धीरे पैर को नीचे रखेंगे आराम से, और फिर धीरे धीरे आंखें खुलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया, और मैं भास्कराचार्य को, आज के आचार्य योग गुरु भास्कराचार्य को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बच्चों, प्रोग्राम कैसा लगा, एक बार तालियों तालियां हम लोग बजा सकते हैं। ठीक है। नमस्कार।